So, Dubonnier traits के बारे में बात करें यहाँ पे, तो he was the first one to give the classification of elements, right? So, इन्होंने 9 elements को arrange किया, 3 triads बनाए. पहले triad का नाम था alkali metals, ठीक है ना, alkali metals थे उसमें वहाँ पे, जिसमें पहला element हमारा sodium, lithium, sodium, potassium. Second triad जो है वो इन्होंने दिया यहाँ पे, हम कह सकते हैं alkaline earth metals का, calcium, strontium, barium, beryllium, magnesium नहीं थे इसमें, सिर्फ 3 ही थे. एंड जो लास्ट वाला ट्राइड था यहाँ पे हमारा ओनली नॉन मेटल वाला हेलोजन्स का ट्राइड, जहाँ पे गैसेज आ रही थी, कौन कौन सी भाई, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, राइट. सो व्हेन वी टॉक अबाउट देयर पोस्टुलेट्स, उन्होंने एक बात बोली यार, जो मिडिल मोस्ट एलिमेंट होगा ना, उसका जो मास होता है वो बाकी के दोनों के एवरेज के बराबर होगा. ठीक है, अगर आप फर्स्ट और लास्ट वाले का मीन निकालते हो, अर्थमैटिक मीन, एवरेज निकालते हो, तो बीच वाले का मास है. वी टॉक अबाउट द ड्रॉबैक्स ऑफ डोब्रिनियर ट्रेट, सो हम ये बोल सकते हैं कि जो उस टाइम पे 9 एलिमेंट से ज्यादा जो है वो नोन थे, एंड ही फेल्ड टू अरेंज ऑल द एलिमेंट्स, राइट. चेक आउट द प्लेलिस्ट एंड डू शेयर विद योर एवरी ऑफ योर फ्रेंड्स एंड ऑल द बेस्ट फॉर द टर्म 2.